हेलो, नए साल का राम राम दोस्तों। आपके SBI योनो पर इस टाइप की एरर आ रही है, आप बार बार लॉगिन कर रहे हो, आपको पासवर्ड भी पता है और दोस्तों यूज़र नेम भी पता है, फिर भी आपको ये दिक्कत आ रही है, या फिर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं पता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सबसे पहले आपको दोस्तों क्रोम ब्राउज़र स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि दोस्तों आपके फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को आप ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद अब आपको दोस्तों यहाँ पर SBI लॉगिन सर्च करना है, यानी कि दोस्तों SBI ऑनलाइन सर्च कर लेना है। SBI ऑनलाइन सर्च करने के बाद आपको दोस्तों SBI की साइट ओपन हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, डुप्लीकेट साइट को ओपन नहीं करना है, आपको सीधा SBI का ओरिजिनल पेज यानी कि SBI की ओरिजिनल साइट आपको दोस्तों देखकर लॉगिन करना है, यानी कि आपको जो फर्स्ट लिंक दिख जाए उस पर टिक कर लेना है। वैसे दोस्तों आपको पता चल जाएगा कौन सी ओरिजिनल है और कौन सी फेक साइट है, तो दोस्तों आप फटाफट से सर्च कर लीजिए और आ जाइए ऑनलाइन साइट पर। तो दोस्तों मैं इसे सर्च कर लेता हूं। अब आपको यहां पर फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है, इस फर्स्ट लिंक पर बिना टाइम गवाए सीधा टिक कर दीजिए। दोस्तों जल्दी आपका काम हो जाएगा और दोस्तों आप बहुत देर से परेशान हो रहे हो, मुझे पता है। तो दोस्तों आप इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर जो इंटरफेस दिखाई दे रहा है उसे लॉगिन पर आपको टिक करना है। एक रेड कलर का SBI योनो आ रहा है और एक लॉगिन आ रहा है, तो लॉगिन पर आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों ये लॉगिन पर टिक करने के बाद अब आपको कंटिन्यू टू लॉगिन करना है, यानी कि दोस्तों कंटिन्यू टू लॉगिन पर टिक कर दीजिए। लॉगिन पर टिक करने के बाद दोस्तों क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना है, सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल गए हो, यूजर नेम भूल गए हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी दोस्तों बिल्कुल नहीं घबराना है और वीडियो को देख लेना है, सारी जानकारी इसी वीडियो में मिलने वाली। यहाँ पर आपको सबसे नीचे फॉरगेट लॉगिन पासवर्ड दिखाई दे रहा है, उस पर टिक करके नेक्स्ट स्टेप पर आप पहुँच जाएंगे। अब आपको फॉरगेट माय लॉगिन पर टिक करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप फॉरगेट माय लॉगिन पर टिक कर लीजिए। फिर आपको चार ऑप्शन दिखाई देंगे। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दोस्तों अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपको फर्स्ट पर टिक करना है, अगर आप यूज़र नेम भूल चुके हैं तो इस पर टिक करना है, और अगर दोनों भूल चुके हैं तो भी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। और सेट लॉगिन पासवर्ड, खाली आपको पासवर्ड लॉगिन सेट करना है तो आप थर्ड पर टिक कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको लॉगिन पासवर्ड, यानी कि आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो फर्स्ट लिंक पर टिक कर दीजिए, यूज़र नेम भूले हैं तो यूज़र नेम पर टिक कर दीजिए, यानी कि सेकंड पर टिक करना है। तो चलिए अब आपको फॉरगेट माय लॉगिन पासवर्ड पर टिक कर देना है, मैं भी टिक कर देता हूँ, आप भी जल्दी से टिक करके नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ चुकी है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट नीचे येलो कलर में दिखाई दे रहा है, तो आप नेक्स्ट पर टिक कर दीजिए और अगली स्टेप आपके सामने शो कर जाएगी, यानी कि दोस्तों क्या शो करेगी वो भी अभी आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपका यूज़र नेम डालना है दोस्तों, अगर आपके पास यूज़र नेम नहीं है तो दोस्तों आपको सबसे पहले फॉरगेट यूज़र नेम पर टिक करना होगा। तो दोस्तों मुझे अपना यूजर नेम पता है तो मैंने यूजर नेम डाल दिया है, उसके बाद अकाउंट नंबर डाल दूंगा, फिर कंट्री कोड डाल दूंगा, उसके बाद मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद जो इमेज के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं यहां पर टेक्स्ट भरने के बाद इसे सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों मेरे मोबाइल नंबर जो मैंने डाले हैं उस पर एक OTP आएगा, वो OTP मैं यहां डाल दूंगा और उसके बाद कंफर्म कर दूंगा, तो फिर से मैं नेक्स्ट स्टेप पर पहुंच जाऊंगा। अब दोस्तों यहां पर क्या करना है दोस्तों, आपको फर्स्ट पर ही टिक करना है, यानी कि आपको यूजिंग ATM कार्ड डिटेल पर करना है, प्रोफाइल पर नहीं करना है, और या फिर ब्रांच एक्टिवेशन नहीं करना है, क्योंकि ब्रांच एक्टिवेशन आप करोगे तो आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा दोस्तों और आपका काफ़ी टाइम ख़राब हो जाएगा। तो आपको ATM कार्ड डिटेल्स डाल देनी है, इस पर टिक करने के बाद आप यहां पर इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों अब आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रही होगी, आपको आपका ATM कार्ड का नंबर आ रहा होगा, उस पर टिक करने के बाद दोस्तों इसे आपको कंफर्म कर लेना है। अभी आपको मैं बता दूंगा कैसे करना है वो भी दोस्तों। देखिए जैसे ऊपर आपको ATM कार्ड नंबर आ रहा था, उसके आगे आपको टिक करने के बाद इस कन्फर्म पर टिक कर देना है, तो आसानी से आप अगली स्टेप पर पहुँच जाओगे। अब अगली स्टेप में आपको दोस्तों यहाँ पर आपको आपका मंथ डालना है, यानी कि दोस्तों आपका एक्सपायरी डेट डालनी है, उसके बाद आपको आपका नाम डालना है, कार्ड होल्डर नेम, फिर पिन डालने, पिन दोस्तों आपके चार डिजिट कोड होते हैं वो डालने, और फिर से जो टेक्स्ट के अंदर इमेज के अंदर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है उस पर डाल के प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार पासवर्ड रख सकते हैं।
पासवर्ड रखने के लिए दोस्तों आपको इसमें सिंबल होना चाहिए और एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कि दोस्तों 8 से ज़्यादा होने चाहिए और न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट और सारी चीज़ें इसके अंदर हो जानी चाहिए, यानी कि सिंबल न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट तीनों सबमिट होने चाहिए और दोनों पासवर्ड आपको सेम डालने हैं दोस्तों। अगर ज़रा सी भी कोई मिस्टेक हुई तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके पास इस तरह का एक मैसेज आएगा, यानी कि यूअर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस, यानी कि आपका डेबिट कार्ड पूरी तरह से सक्सेस हो चुका है, आपका वेरिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है, आपके पासवर्ड आपने अभी जो डाले हैं अब आपको SBI योनो ऐप में जाकर वहाँ पर डालने हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कैसे डालने हैं। सबसे पहले SBI ऐप योनो को ओपन कर देना है, मैंने इसे ओपन कर दिया है। अब ओपन करने के बाद आपके सामने दोस्तों लॉगिन आईडी पासवर्ड यानी कि यूज़र नेम वगैरह पूछेगा, तो दोस्तों मुझे अपना यूज़र नेम पता है तो मैं यहाँ यूज़र नेम डाल दूंगा। पासवर्ड दोस्तों अभी मैंने रीसेट किए हैं, यानी कि मैं आपको बता रहा था न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देने हैं। उसके बाद रेफर कोड डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप आसानी से सबमिट कर लीजिए। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको एक OTP आएगा, वो OTP भी आप डाल लोगे तो आपके यहाँ पर रजिस्टर पूरी तरह से सबमिट हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक MPIN डालना है, वो MPIN आप डाल दोगे तो आपका SBI योनो स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका बैलेंस चेक कर सकते हो MPIN की सहायता से, यानी कि आपको अब यहाँ पर MPIN डाल देना है। इस तरीके से अगर आप सारी प्रोसेस फॉलो करोगे तो आपका SBI योनो ऐप फॉलो हो जाएगा, यानी कि दोस्तों लॉगिन हो जाएगा और फिर से नया रजिस्टर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हिमकिंग ट्रेंड।